हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम जानेंगे ओवेरियन सिस्ट के बारे में। क्या होती है ये ओवेरियन सिस्ट, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है आपको ओवेरियन सिस्ट के कारण, किस प्रकार की होती हैं ये और क्या रहता है इनका इलाज। तो सबसे पहले जानते हैं ओवेरियन सिस्ट होती क्या है। ओवेरियन सिस्ट यानी कि अंडाशय के अंदर सिस्ट। नॉर्मली हर महिला के अंदर एक यूट्रस होता है, बच्चेदानी होती है, जिसके साइड में दो फेलोपियन ट्यूब्स या नलियाँ होती हैं और उसके पास में होती हैं दो ओवरीज यानी कि दो अंडाशय। कभी कभी इन अंडाशय के अंदर पानी जैसा स्ट्रक्चर, पानी या कोई और प्रकार का किसी और प्रकार का लिक्विड इकट्ठा हो जाता है और एक सिस्ट, एक सैक के अंदर एक लिक्विड जैसी चीज़ इकट्ठी हो जाती है और वह एक सिस्ट का फॉर्म ले लेता है और बन जाती है ओवेरियन सिस्ट। तो अगर ओवेरियन सिस्ट किसी महिला को होती है तो उसे क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। उसे पेट में दर्द हो सकता है, स्पेसिफिकली लोअर एब्डोमेन में यानी कि पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। पेट हमेशा भरा भरा की फीलिंग लग सकती है, यानी कि खाना तो थोड़ा खाया है लेकिन पेट बहुत भर गया है, ऐसी फीलिंग आ सकती है। जी घबरा सकता है, उल्टी जैसा लग सकता है। कभी कभी इस ओवेरियन सिस्ट के कारण पीरियड्स भी इरेगुलर हो जाते हैं, यानी कि पीरियड्स के दौरान या तो ब्लीडिंग अधिक हो सकती है, कभी कभी पीरियड डिलेड भी हो सकते हैं, कभी कभी पीरियड में बीच में भी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो सकती है इस ओवेरियन सिस्ट के कारण। तो ये यूजुअली सिम्टम्स होते हैं, ये परेशानियों का सामना महिला को करना पड़ सकता है अगर ओवेरियन सिस्ट है। अब ओवेरियन सिस्ट कई वैरायटी की होती है और कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनमें इसका होने का रिस्क थोड़ा अधिक रहता है। तो किन महिलाओं में इसका होने का रिस्क अधिक होता है? सभी महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उनमें ओवेरियन सिस्ट होने की जो संभावना होती है वह थोड़ी अधिक रहती है। अगर आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब्ड हैं, इम्बैलेंस्ड हैं, तो ओवरी में सिस्ट बनने की जो समस्या है वह आने की संभावना अधिक की साइड में रहती है। कभी कभी हम महिलाओं को इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, यानी कि बच्चा होने के लिए दवाइयाँ दे रहे होते हैं। तो जब हम बच्चा होने की, प्रेगनेंसी होने की जो दवाइयाँ देते हैं, जिसमें कि अंडा बनने की स्पेसिफिकली दवाई दी जाती है, तो कभी कभी उन दवाइयों के कारण भी ओवरी में सिस्ट डेवलप हो सकती है। अगर किसी में एक बार सिस्ट डेवलप हो चुकी है तो उस महिला में फ्यूचर में भी ओवरी में सिस्ट डेवलप होने की जो पॉसिबिलिटी रहेगी वह थोड़ी हायर साइड के अंदर रहती है, यानी कि वापस होने की संभावना भी इसमें रहती है। अगर आपको सीवियर टाइप का पेल्विक इन्फेक्शन हुआ है, यानी कि निचले वाले बच्चेदानी के हिस्से में या पेल्विक एरिया में सीवियर इन्फेक्शन कभी हुआ है, तो भी आपको ओवरी में जो सिस्ट बनने की संभावना है वह दूसरे महिलाओं की तुलना में थोड़ी अधिक रहेगी। अब ये जो ओवरी की सिस्ट होती है कई अलग अलग वैरायटी की होती है, किसी में फॉलिकुलर सिस्ट होती है, किसी में चॉकलेट सिस्ट होती है। आपने जैसे सोनोग्राफी रिपोर्ट भी देखी होगी तो उसमें अलग अलग नाम लिखे होते हैं सिस्ट के। तो अलग अलग वैरायटी की सिस्ट का क्या मतलब होता है और क्या होती हैं ये। सबसे पहले हम आते हैं फॉलिकुलर सिस्ट के ऊपर। महिलाओं के अंदर हर महीने हार्मोन बदलते हैं, हर महीने एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल बढ़ता है, कई फॉलिकल्स ग्रो होते हैं, उनमें से एक फॉलिकल ज़्यादा ग्रो होता है जिसमें से कि अंडा निकल के बाहर आता है, जिसे हम ओवुलेशन कहते हैं। ये एक नॉर्मल चीज़ है, परंतु कभी कभी क्या होता है, ये जो अंडा निकल के बाहर आने वाला काम होता है, जो ओवुलेशन होता है, वो नहीं होता, अरेस्ट हो जाता है, रुक जाता है। तो फॉलिकल क्या होता है, फॉलिकल में से अंडा बाहर निकल के नहीं आया और वो फॉलिकल और बड़ा होता गया, तो वह एक सिस्ट का रूप ले लेता है और बन जाती है फॉलिकुलर सिस्ट। फॉलिकुलर सिस्ट यूजुअली स्मॉल साइज़ की होती हैं, बहुत बड़ी नहीं होती हैं और इसके लिए बहुत घबराने की ज़रूरत भी नहीं होती। ये यूजुअली अपने आप पीरियड आता है, उसके बाद अपने आप डिसअपियर हो जाती हैं। अगर ये कभी कभी नहीं भी डिसअपियर होती तो हम हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हैं जिससे ये यूजुअली ठीक हो जाती हैं, तो इसमें बहुत चिंता की बात नहीं होती है। अगली होती है कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हर महीने फॉलिकल ग्रो होता है, अंडा निकलता है, तो जब हर महीने फॉलिकल ग्रो होता है और उसमें से अंडा निकल जाता है तो बन जाता है एक कॉर्पस ल्यूटियम। कभी कभी इस कॉर्पस ल्यूटियम में फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है और बन जाती है कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट। यह भी कोई बहुत चिंता की चीज़ नहीं होती, ये कई बार प्रेगनेंसी के दौरान भी देखी जाती है। ये भी यूजुअली बहुत बड़ी नहीं होती, छोटी होती है और अपने आप चली भी जाती है। ये अनटिल अनलेस ये बहुत बड़ी ना हो या आपको बहुत परेशानी ना दे रही हूँ, हमें ज़्यादा कुछ इनका करना नहीं होता, बस इनको थोड़ा ऑब्जर्वेशन में रखना होता है कि ये ज़्यादा बड़ी तो नहीं हो रही हैं। अगली होती है हेमरेजिक सिस्ट।
कभी कभी क्या होता है, ये जो फॉलिकुलर सिस्ट बनी या ये जो कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट बनी, इसके अंदर ब्लीडिंग हो जाती है, हैमरेज हो जाता है, तो इनके अंदर ब्लड इकट्ठा हो जाता है और बन जाती है एक हैमरेजिक सिस्ट। हैमरेजिक सिस्ट यानी कि जब ब्लड इकट्ठा हो जाता है तो ये यूजुअली पेनफुल होती हैं, दर्द देती हैं, और इनको इनका ट्रीटमेंट, इलाज करना ज़रूरी हो जाता है। तो फिर इनके लिए हम लोग हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हैं, जो हार्मोनल ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्ड कर जाती हैं, बहुत अच्छी बात है। कभी कभी ये बहुत बड़ी हो जाती हैं तो हमें दूरबीन डाल के इनको निकालने की ज़रूरत भी पड़ती है। अगली होती है चॉकलेट सिस्ट। चॉकलेट सिस्ट, चॉकलेट नाम है इसका। इसमें क्या होता है, बेसिकली चॉकलेट सिस्ट नाम इसका इसलिए है क्योंकि जो सिस्ट बनती है उसके अंदर डार्क ब्राउन कलर का लिक्विड चॉकलेट जैसा मटेरियल इकट्ठा हो जाता है और सिस्ट का रूप ले लेता है। यह एक बीमारी होती है एंडोमेट्रियोसिस, जो कि एक हार्मोनल बीमारी होती है, जिसमें कि बच्चेदानी की जो अंदर की दीवार होती है एंडोमेट्रियम, वो बच्चेदानी के अलावा अलग ऑर्गन्स पे, फेलोटियम ट्यूब्स पे, ओवरी पे, पेरिटोनियम में, इन जगह डेवलप होने लग जाती है। और इसके कारण जब ये ओवरी पे बनती है तो बन जाती है चॉकलेट सिस्ट। चॉकलेट सिस्ट थोड़ी परेशानी ज़्यादा देती है, अपने आप गायब भी नहीं होती है, थोड़ी ज़िद्दी किस्म की सिस्ट होती है, हॉर्मोन्स देते हैं पर उसको भी ज़्यादा ये रिस्पॉन्ड नहीं करती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसकी सर्जरी करने की ज़रूरत आती है। अगर आपको चॉकलेट सिस्ट के बारे में डिटेल में जानना हो तो मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो उसके ऊपर है, आप उसे देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जिद्दी किस्म के सिस्ट होती है और इनका ट्रीटमेंट भी ऑल टुगेदर अलग रहता है। अगली होती है डर्मॉइड सिस्ट। डर्मॉइड सिस्ट में थोड़े सॉलिड एरियाज भी रहते हैं, और भी कई प्रकार की सिस्ट होती हैं, जैसे सीरस सिस्ट एडिनोमा है, तो डर्मॉइड सिस्ट या सीरस सिस्ट एडिनोमा, ये थोड़ी कम कॉमन टाइप के सिस्ट होती हैं, और ये होती हैं तो इनका में कोई हार्मोन नहीं दिया जाता है, ये इनको सर्जरी करके, ऑपरेट करके ही निकालना पड़ता है, दूरबीन से यूजुअली ऑपरेट हो जाती हैं, बहुत चिंता की बात नहीं होती है। अब अगर आपके अंदर ओवेरियन सिस्ट है तो क्या करें, छोड़ दें, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, क्यों हमको मरीज़ को अगर हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे भी रखते हैं, यानी कि हम सर्जरी नहीं कर रहे, हार्मोन्स ही दे रहे हैं, तो भी क्यों हम उसको हर दो तीन महीने पे बुला बुला के देखते रहते हैं कि अब सिस्ट की क्या स्थिति है। क्योंकि इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो स्पेसिफिकली तभी ज़्यादा डेवलप होते हैं जब ये स्पेसिफिकली साइज़ में थोड़ी बड़ी हो जाती हैं। उनमें पहला इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है टॉर्जन हो जाना, यानी कि अपनी एक्सेस पे घूम जाना। तो जब टॉर्जन हो जाता है, यानी कि ओवरी की ये सिस्ट है जो है ट्विस्ट हो जाती है, तो इसका जो ब्लड सप्लाई होता है वह रुक जाता है, उसके कारण ये इस लाइव नहीं रह पाती है और इसके अंदर बहुत पेन होना शुरू हो जाता है और हमें इमरजेंसी में ऑपरेट करने की ज़रूरत आती है। दूसरा कॉम्प्लिकेशन होता है रप्चर हो जाना, कभी कभी ये बहुत बड़ी हो जाती है और पेट में फट जाती हैं, फटने के कारण भी एकदम बहुत तेज पेन शुरू हो जाता है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है पेट में ही और हमें इमरजेंसी में सर्जरी करनी पड़ती है। तीसरा और महत्वपूर्ण कॉम्प्लिकेशन इसका होता है कैंसर में डेवलप हो जाना। नॉर्मली जो 20-30 साल की उम्र में सिस्ट पाई जाती हैं उनमें कैंसर डेवलप होने की संभावना कम ही होती है, पर स्पेसिफिकली जो सिस्ट मीनोपॉज के बाद में मिलती हैं, 50 साल की उम्र के आसपास मिलती हैं, उसमें कैंसर डेवलप होने की संभावना थोड़ी अधिक रहती है। तो हमको जब उस एज ग्रुप में सिस्ट मिलती हैं तो हम थोड़ा ज़्यादा सर्जरी की तरफ एडवाइस करते हैं, यानी कि हम कोशिश करते हैं कि उसे निकाल दिया जाए, लैब में टेस्टिंग के लिए, बायोप्सी के लिए भेज दिया जाए, क्योंकि उसमें जो कैंसर बनने की संभावना होती है वह थोड़ी अधिक होती है। तो ये तो हुए कॉम्प्लिकेशंस। अब हमें पता कैसे चलता है, जब आप डॉक्टर के पास जाती हैं तो डॉक्टर को कैसे पता चलता है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन से, यानी कि नीचे से चेकअप करते हैं, पीवी करते हैं, उसमें भी सिस्ट फील हो जाती है, सोनोग्राफी में नज़र आती है, जब हमें और डिटेल जाननी होती है तो हम सीटी स्कैन या एमआरआई कराते हैं। इसके लिए एक ब्लड का टेस्ट होता है CA125, वह भी कराया जाता है। ये ब्लड का टेस्ट हमें स्पेसिफिकली चॉकलेट सिस्ट और कैंसरस सिस्ट में इनकी वैल्यूज़ पॉजिटिव आती है, तो यूजुअली, लेकिन हम हर प्रकार के ओवेरियन सिस्ट में CA125 की वैल्यू करा लेते हैं ताकि इनका कोई रिस्क तो नहीं है ये देखने के लिए। ट्रीटमेंट जैसा कि मैंने आपको बताया डिपेंड करता है किस वैरायटी के सिस्ट है, उसी के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट रहता है, तो हार्मोनल रहता है, सर्जिकल रहता है, और अगर सिंपल सी छोटी सी फॉलिकुलर सिस्ट या कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट है तो हम उसे वेट एंड वॉच भी कर सकते हैं, यानी सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं। प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंशन के लिए क्या ऐसा किया जा सकता है कि आपको डेवलप ना हो, तो प्रिवेंशन के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें,
फैट का इंटेक डाइट में थोड़ा कम लें, एक्सरसाइज रेगुलरली करें, ऐसा सब करेंगी तो आपके हॉर्मोन्स बैलेंस में रहेंगे और आपने ओवेरियन सिस्ट होने की जो संभावना होगी वह थोड़ी कम होगी। एक और चीज़ हम लोग स्पेसिफिकली एडवाइस करते हैं कि जब भी हम फर्टिलिटी इंड्यूसिंग ड्रग्स देते हैं यानी कि अंडा बनने वाली दवाइयाँ देते हैं तो हम लोग स्ट्रांगली कहते हैं कि उसे फॉलिकुलर स्टडी यानी सोनोग्राफी से कंबाइन करना चाहिए। हमें रेगुलरली देखता रहना चाहिए कि ओवरी ज़्यादा स्टिमुलेट तो नहीं हो गई है, उसके अंदर ज़्यादा हॉर्मोन्स का इफेक्ट तो नहीं आ गया है, ताकि अगर वह डेवलप भी हो तो हम उसे अर्ली स्टेज पे पिकअप कर सकें। और आजकल एक और सिस्ट जो एकदम बड़ी ओवरी की सिस्ट तो नहीं होती लेकिन ओवरी में छोटी छोटी बारीक बारीक सी सिस्ट जैसी सी नज़र आती हैं, सोनोग्राफी की रिपोर्ट में लिखा होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सीन, यानी कि ओवरी में छोटी छोटी ओवरी की पेरीफ्री के अंदर 3-3, 4-4 मिलीमीटर की सिस्ट इकट्ठी हो गई हैं, वह होती है पीसीओडी या पीसीओएस के अंदर। पीसीओडी और पीसीओएस ये इन बाकी सभी सिस्ट से काफ़ी अलग होता है, इसकी साइज़ भी सिर्फ 3-4 मिलीमीटर होती है, जहाँ बाकी सारी सिस्ट सेंटीमीटर की साइज़ में होती हैं, बड़ी होती हैं, ये फ्यू मिलीमीटर की सिस्ट होती हैं। इसका कारण अलग होता है, इसका ट्रीटमेंट भी ऑलटुगेदर अलग होता है। पीसीओडी पे भी मेरा डेडिकेटेड वीडियो उसके ट्रीटमेंट पे, उसकी कॉजेज पे आप उसे देख सकते हैं। अगर इसके अलावा आपको कोई और कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।